जो वहाँ के लोग हैं पाकिस्तान के, जो वहीं जन्मे वहीं पैदा हुए, वो वहाँ पे खुश नहीं है, तो जो हिंदुस्तानियों का उन पर क्या हालत होती होगी, उनको कितना टॉर्चर किया जाता हुआ है, मैं समझ सकती हूँ। तो आपको लगता है कि अगर कभी ऐसा मौका मिला पाकिस्तान से जो आधे लोग हैं वो खाली हो जाए और हिंदुस्तान में शिफ्ट हो जाए, आपको लगता है आधा पाकिस्तान तो वैसे ही खाली हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जो वहाँ भूखमरी चल रही है ना, मैं आपको कैसे बताऊँ, वहाँ आटे के लिए लाइन लगती है, वो उस लाइन में कई लोग मारे जाते हैं, क्योंकि वो आटा थोड़ा सस्ता बिकता है, फ्री में नहीं होता, थोड़ा सस्ता बिकता है। मतलब वैसे 185 रुपए किलो है, तो वहाँ मतलब 100 रुपए किलो मिलता होगा, तो उसमें लाइन लग के उस लाइन में कई लोग मर जाते हैं, तो ऐसे देश में कौन रहना पसंद करेगा? आपको क्या लगता है, अगर पाकिस्तान को सुधारने की कोई कोशिश की जाए तो कैसे बदल सकता है पाकिस्तान? पाकिस्तान को वहाँ मोदी जी जैसा हो जाए लीडर, फिर बदल सकता है पाकिस्तान, वरना पाकिस्तान की हाल पूरे। सीमा, जो पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो आपके खिलाफ इतनी नफरत फैला रहे हैं लगातार, उनको क्या कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उनको यही कहूंगी, वो जो चाहते जो सोच के कह रहे हैं कर रहे हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हिंदुस्तान में बैठी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे विश्वास है हिंदुस्तानी लोगों पे, योगी जी पे, मोदी जी पे, अपने भाई पे। वो मेरा बाल भी बातें नहीं कर सकते, वो खाली बातें कर रहे हैं, वहाँ की मीडिया कुछ नहीं, वह कह रही बस खाली सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने देखा था 15 अगस्त में आप और एपी सिंह जी कैसे पूरे जोश के साथ नारे लगा रहे थे हिंदुस्तान जिंदाबाद के। हम चाहते हैं कि इससे पहले कि हम इस शो को एंड करें, आप दोनों उसी जोश के साथ, मैं चाहती हूं एक बार फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद, ताकि दुनिया को याद रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, रहेगा भारत माता की जय। सीमा, आप भी बोलना चाहेंगी? मैं एक शायर बोलना चाहूंगी, जो हमारे शहीद हो गए, उनके लिए मैंने एक स्पेशल याद करा था। मैंने कहा मैं जब भी मीडिया में जाऊंगी उसको भी मैंने याद करा, मैं जरूर बोलूंगी। वो मर के भी अमर हो जाते हैं, वो मर के भी अमर हो जाते हैं, भारत माँ की गोद में सर रख के सो जाते हैं। जिस उम्र में तुम हसीनाओं को लिपट के तुम जिस उम्र में तुम हसीनाओं के दुपट्टे में लिपट कर सोए पड़े रहते हो, उस उम्र में वो घर तरंगे में लिपट कर आते हैं। ये मुझे इतना अच्छा लगा, हमारे जो नौजवान हो गए, बहुत बहुत अच्छा लिखा है आपने, बहुत अच्छा लिखा है, मानना पड़ेगा। आप सीरा, आपकी जिस तरह से आपने पंक्तियाँ ये पिरोई हैं वो बहुत बहुत खूबसूरत है।